महोदय जी 2020 में कलेक्टर साहब से 2020 में हमने 500 किलोमीटर मुख्यमंत्री को दिया, एसडीएम साहब को लिया, कलेक्टर साहब को लिया, हमारी सुनाई नहीं हुई 2020 में। इस कारण हम मजबूर होकर यहाँ आए। ये दुर्भाग्य है कि हम अपनी बात को उचित स्थान तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाए और इस रोड की इस स्थिति को लेकर और संपूर्ण क्षेत्रवासियों ने ये निर्णय लिया कि यदि रोड का निर्माण नहीं होता तो इस बार वो वोट नहीं देंगे। यहाँ नरसिंहपुर से मुख्यालय से हमारा गांव 100 किलोमीटर है और जननी एक्सप्रेस जो है, जो आज की स्थिति में इतनी महिलाओं की डिलीवरी हमारे घर में हो रही है, कहीं कहीं बच्चों की मौत भी हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो 7 पंचायत है सबसे पिछड़ी हुई पंचायत, क्यों पिछड़ी है? ये शासन प्रशासन की कमियों के कारण हमारी पंचायत है। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य अगर सुरक्षित है, आप देख सकते हैं हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जी हाँ, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला साइंकड़ा विकास खंड में आने वाली ग्राम पंचायतों के ये ग्रामीण नागरिक हैं। बार बार मध्य प्रदेश भाजपा सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर इस बार हमारे ग्रामों का रोड नहीं बना तो हम वोट नहीं देंगे। इनके द्वारा नरसिंहपुर जिला के मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया गया है और बताया गया है कि बार बार चुनाव के टाइम हमसे वादे किए जाते हैं, हमसे कहा जाता है कि हम आपकी रोड बनवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। नरसिंहपुर जिला कलेक्टर ऋषि भावना जी द्वारा इनको संदेश पहुंचाया गया है कि हम आपकी बातों को, आपकी जो मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। निश्चित ही कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने आज खुलकर अपनी बात कही है, अपनी समस्या बताई है, यह बहुत बड़ी बात है। सालों बीत गए, नेता हैं जो वादे तो करते हैं पर वादे जमीन पर नहीं आ पाते, और एक बार फिर ग्रामीणों ने खुलकर विरोध जताते हुए मध्य प्रदेश सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई है और कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हम अपना अधिकार मांगते, कभी किसी से भीख नहीं मांगते। मध्य प्रदेश सरकार हो, प्रशासन के अधिकारी हो, इनकी बातों को सुनना चाहिए जिससे इनकी समस्या का हल हो। महोदय जी 2020 में मुख्यमंत्री को दिया, एसडीएम साहब को लिया, कलेक्टर साहब को लिया, हमारी सुनाई नहीं 2020 में। इस कारण हम मजबूर होकर यहाँ आए। मेरी बच्ची नहीं होने के कारण मर गई, कौन है जवाब था? विधानसभा आपका साइंखेड़ा से आगे डुमरा, डुमरा से जुड़े खदान है 6, वो पूरा का पूरा रोड हमारा है। जो रोड खदान है ना, माइनिंग वालों ने वो रोड तोड़ दिया जी। और माइनिंग वाले वहाँ पे कम से कम 70-80-50 टन मतलब रेत भर के जाते हैं। ओबल भाई 6 चक्का 12 चक्का ट्रक आ रहा है, क्वालिटी उसी नहीं रोड की, पीएम रोड की उतनी क्षमता होती है। अब हम किससे कहें, 40-40 लाख का राजस्व हमारे, 40 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू शासन को वो रोड दे रही है। सिर्फ उसी रोड से बनता है, आप एक साल का लगा दो ना उसमें। किसान का गन्ना नहीं मिल पा रहा है, गन्ने की ट्राली पलटती है। 15 किलोमीटर का रोड बनना है, 22 फुट चौड़ा सीमेंट का, आप 2 फुट मोटा बना दे जिसमें हम कह रहे 1000 टन का ट्रक जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं चाहेंगे कि शासन को कमाई ना हो, लेकिन हमारे बच्चे मरे, हमारे बच्चे पढ़ ना पाए। 2 दिन में मरम्मत का काम लग जाए, उसके बाद 1 हफ्ते में उसका डिसीजन आ जाए। तो माने कलेक्टर महोदय आज आप ये गारंटी सिक्योरिटी दे रहे होंगे? हो जाएगा। Gracias.
जब उनके ऊपर बैठे वाले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विधायक और सांसद हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं वोट के लिए, क्या हमारे पास नहीं आ सकते? क्या ऐसा जब और विगत 5-6 वर्षों से उस समस्या को हम भोग रहे हैं, लेटर पहले ही हम आपको दे चुके हैं 2020 में और मुख्यमंत्री जी को दिया, विधायक जी मतलब सबको दे चुके हैं, किसी ने हमारी 5-7 सुनवाई नहीं किया, उसके बाद में आज हम अगर मिलने आए हुए तो नहीं मिलने आ सकती, तो इससे बुरा कुछ नहीं हमारे लिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। ज्ञापन के भी चले हम बिना ज्ञापन के चले जाएंगे, आप अगर चाहो कि हम 100 किलोमीटर साहब बिना दे तो ऐसा कर सकते हैं? तो है हम तो क्या बात है।